नमस्कार, बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र में, जो पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में भाजपा से यहाँ पर अजय विश्नोई जो है वो विधायक है। अजय विश्नोई पहले की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अभी फिर से विधायक है। और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, लोग उनके कामकाज के खुश है या नाखुश है, और नाखुश है तो उसकी वजह क्या है। इसके अलावा पाटन विधानसभा क्षेत्र की हम यदि बात करें तो इस क्षेत्र की खासियत यह है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण बेल्ट है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो रोजगार के कोई भी साधन नहीं है, मुख्य तौर पर यहाँ पर रोजगार का साधन यदि देखा जाए तो खेती है। हाँ, पाटन विधानसभा क्षेत्र एक चीज से और जाना जाता है, वो है पाटन विधानसभा क्षेत्र का हरा मटर, जो न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी जाता है। पिछले बार पाटन के मटर को क्षेत्र को लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर सेमिनार देखने को मिली। और एक चीज और खास है, वो है पाटन का गेहूँ और भी चीज है। और विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस से पिछली बार मुकाबला जो हुआ था वो बीजेपी का हुआ था। बीजेपी के विधायक जो है अजय विश्नोई अच्छी खासी लीड के साथ जीते थे। इस बार फिर से एक बार बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई जोर मार रहे हैं टिकट के लेकर, वो दावा कर रहे हैं नीलेश अवस्थी को, उन्होंने पिछली बार जो है वो मुकाबले में हराया था। इस बार कांग्रेस की ओर से कोई भी चेहरा यहाँ पर तय नहीं हो पाया, लेकिन भाजपा की ओर से लगभग अजय विश्नोई का नाम अभी भी जो है वो आगे चल रहा है। हालांकि अभी टिकट बंटवारे में वक्त है, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस पे दाव लगा रही है। तो हम इस विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और लोगों को समझेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, विधायक जी ने जो वादे किए थे वो कहाँ तक पूरे हो पाए हैं, और जो बचे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। तो बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए हैं जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र में, जानने के लिए कि लोग विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, सरकार को लेकर आखिर ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है, लोग चुनाव को लेकर आखिर क्या चर्चाएं चल रही है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, क्या चल रहा है, चुनाव आ गया है? क्या चल रहा है भैया, अब चुनाव आएगी जब समझेंगे कि क्या हो रहा, क्या कौन क्या करने हैं, देने हैं, क्या करने वोट और क्या। अबे तो कछु नहीं समझ में आ रही। विधानसभा में क्या स्थिति है, कामकाज हो रहा है? अबे तो ऐसे कोई खास कामकाज नहीं रहा, कोई कामकाज नहीं रहा। सड़क तो बढ़िया बन रही है। बन रही तो का हो गई बात, तो ये सब पहले ही से बनी रही, अब थोड़ी बनी। हाँ भैया, क्या स्थिति है? राजेंद्र राव, क्या स्थिति है, क्या चर्चा चल रही है? कुछ नहीं, बस काम वाम हो नहीं रहा है, नाली बन नहीं रही है, पानी ढंग से आ नहीं रहा है, पाइपलाइन बंद रहती हैं, सब है यहाँ पे पाटन बाईपास में, लाइट भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है कुछ यहाँ पे। हाँ, बाकी भैया से, बाकी विधायक जी का काम ठीक, काम चल रहा है उनका, ऐसे ही चल रहा है, ढीला ढाला। हाँ भैया, बताओ जी, बताए काम का तो ठीक है, सब चल रहा है इससे। अरे बहुत इतनी आ रही है कि थोड़ा पसीना जो निकल रहा है वो सूख रहा है। अच्छा, राहत है इससे? इससे राहत है, सरकार से राहत है? सरकार से बिल्कुल राहत नहीं है, सरकार से राहत होती तो पंखा लगा के थोड़ा ना बैठता, बैटरी वाला लाइट होती तो पंखा लगा के बैठता आराम से सुकून से। हैं, बैटरी के सहारे चल रहे हैं, बैटरी के सहारे चल रहे हैं। अभी जैसे 6-7 बजेंगे फिर बंद करके जाएंगे घर, क्योंकि लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, अंधेरे में कौन बैठेगा। देखिए, पाटन में ऐसे कितने क्षेत्र जहाँ ऐसी बहुत से, जैसे आगे आप जाओगे कटंगी बाईपास है, इस साइड जाओगे अंधूक बाईपास है, जैसे पाटन बाईपास है, जैसे वहाँ पे जो पुल बना हुआ है वहाँ की इस साइड की पूरी लाइटें बंद है, हैं वहाँ से 2 बज चालू है, बाकी पूरी लाइटें बंद है। शाम को 7 बजता है ऐसा लगता है यहाँ कोई है ही नहीं, है ना। चौगड्डी में जबकि 10-11 बजे तक माहौल रहता है कि मतलब चहल पहल रहती है, जब लाइट ही नहीं है तो कहाँ चहल पहल रहेगी। विधायक जी के कामकाज, विधायक जी के कामकाज भी ठीक है, मैंने सही नहीं देखा। सड़कें भी ठीक हैं, बाकी ये है कि जैसे अब यहाँ पे जो बना हुआ है काफ़ी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि अब तो डिवाइडर कुछ छोटा सा कार वाला स्पीड में आता है तो दिखता नहीं उसको, सीधा निकल जाता है। टू व्हीलर वाला तो बेचारा गया ना, अब थोड़ा सा यहाँ ऊँचा है कुछ बन जाए पार्किंग टाइप या कुछ, जो डिवाइडर बनते हैं बड़े तो लोगों को दिखें तो उनसे हादसे बंद हों। तो ये स्थिति है पाटन के लोगों की, जो कह रहे हैं कि बिजली को लेकर यहाँ पर अच्छी खासी समस्या है। सड़कें ठीक ठाक है लेकिन बिजली को लेकर जो है अलग अलग इलाके में जो है लोगों की शिकायत है, कहते हैं कि बिजली कई घंटे गोल रहती है।
तो पाटन विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आखिर इस इलाके में विधायक के कामकाज और सरकार को लेकर क्या कुछ चल रहा है। चलते हैं किसी और क्षेत्र में और जानते हैं कि आखिर एमएलए जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता क्या कुछ कह रही है। जो कल्पना भी नहीं की थी वो काम हो पा रहे हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं बच रहा है जहाँ नल जल की पानी की टंकी नहीं बनेगी। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए 540 किलोमीटर लंबे नए तार खरीदे जा रहे हैं ताकि जिस गांव में जितने तार खराब हैं सब बदल दिए जाएं। ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए हैं, ये जान के 1500 नए ट्रांसफार्मर खरीदने की व्यवस्था की गई है। 3 नए विद्युत के 33/11 kV के सब स्टेशन बन रहे हैं। नए हमारे को जो CM राइज स्कूल बन गए हैं। अस्पताल, मोहला का अस्पताल बन के तैयार हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तर का अस्पताल बन के तैयार हो गया है। नए अस्पतालों में नुनसर में अस्पताल के लिए स्वीकृति दिलवा दी है। कटरा बिलखड़ा में अस्पताल की स्वीकृति दिलवा दी है। पाटन में 100 बिस्तर का अस्पताल बन गया है। नगर परिषद पूरे मध्य प्रदेश में शायद एकमात्र है जहाँ हमारे पास 100 बिस्तर का अस्पताल है। हमारा अकेला एक विधानसभा ऐसी है जहाँ 2 की जगह 4 तहसील हमारे पर बन के तैयार हो गई हैं। हर एक नगर परिषद का कार्यालय बन के तैयार हो गया है। हर एक नगर परिषद में स्टेडियम बन के तैयार हो गया है। हालांकि नक्सपत में हमारा जिम बन के हमारा तैयार हो गया है। मझोली में हमने 200 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया था, पर 5 साल मेरे विधायक नहीं रहने के बाद उनको पक्का करने का काम नहीं हुआ था। अब इस बार आने के बाद उनको पक्का करने का काम में तेजी आई है। मुझको ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो कुछ चाहा था उससे कुछ ज़्यादा कर पाने में सफल हुए हैं, और मैं समझता हूँ जनता का आशीर्वाद इसलिए भी हमारे साथ में है कि उसने जो चाहा था उससे ज़्यादा उसको सामने होता हुआ दिख रहा है। 13 से 18 के बीच में मैं विधायक था और मैंने अपनी विधानसभा में लगभग 695 करोड़ के काम कराए और उसको जनता के बीच में रखा भी। मैंने किताब छपवाई थी अपने विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल की, उसमें मैंने अपने लेखा जोखा पेश किया था। लेकिन 18 से हमारी जो नए जो विधायक हमारे विधानसभा के चुने गए उनके 2 साल तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं हुआ, और अभी भी जो जनता चाहती थी उनसे और जो विकास के नाम पे उनको कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, कहीं पर ऐसा विकास नहीं लगा कि उनने कहीं पर जनता के लिए काम किए हों। जितने भी हमारे पाटन विधानसभा के अस्पताल हैं वहाँ जो भी मरीज आते हैं उनको सीधे जबलपुर रेफ़र कर दिया जाता है, छोटे छोटी चीज़ों के लिए भी रेफ़र कर दिया जाता है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, हमारे रोड जो जहाँ रोड के कार्य चल रहे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उतना विलंब से काम हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, और जो तहसीली है वो बिना भ्रष्टाचार के वहाँ पर किसानों के काम नहीं हो रहे, लोगों के काम नहीं हो रहे, हर जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जनता की उम्मीदों में विधायक जी कितने खड़े उतर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जनता तो खुद जवाब देगी 2023 में, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। उनने कोई ऐसा कार्य जनता का नहीं कराया कि जनता खुश हो। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद है जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र की ओर। जो बस जा रही है वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में विधायक जी के कामकाज को लेकर और सरकार के लेकर लोगों के बीच में मन में चल क्या रहा है। मैं बात कर लेता हूँ मुसाफिरों से जो पाटन की ओर जा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या चल रहा है चुनाव में इस बार? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। सरकार के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है? अब सरकार का तो अब यही काम हो रहा है, अभी पैसा इसे डाले हैं और अभी पूछिए दीदी है वो हमारी। अच्छा, विधायक जी के कामकाज ठीक है? अभी तो ठीक है, चलता है, अभी अच्छा चल रहा है और अब आगे देखेंगे। तो पैसे मिलेगी नहीं इस बार? नहीं मिले हैं, 1000 रुपए मिले हैं हम लोग के अकाउंट में आ गए। मिले हैं? हाँ मिले हैं। खुश है महिलाएं? हाँ खुश है, क्यों नहीं रहेंगे खुश, क्यों नहीं रहेंगे खुश, पैसे मिले। पाटन, पाटन में क्या चल रहा है? बीजेपी? बीजेपी का आया था वोट? बीजेपी जी। तो आपके विधायक तो बिश्नोई जी है? हाँ वही है ना। हाँ। कैसा काम काज उनका? सही है। सही है। तो क्या क्या करवा दिया आपके यहाँ काम? हॉस्पिटल खुलवा दी और समुदाय भवन खुलवाया, लाइटें अच्छी कराई, बहुत सी काम उन्होंने अच्छी की, बहुत काम हुआ है, बहुत काम किए। हाँ भैया, क्या चल रहा है अपने यहाँ पाटन क्षेत्र में सरकार? विकास चल रहा है? विकास चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बिश्नोई जी का काम क्या बोल रहा है? बोलने वाला कोई बात ही नहीं है, बिन कहे इतना अच्छा काम चल रहा है। तो क्षेत्र में आते हैं विधायक जी? बिल्कुल आते हैं, हम लोग जब बुलाते तब आते हैं। आते हैं बराबर, है ना? बराबर आते हैं।
तो ये विधायक जी बराबर आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रामीण इलाका है, लगभग ये कह सकते हैं कि करीब तकरीबन 100 किलोमीटर इलाके में पहली विधानसभा है। हम उसी से घूम घूम के बातचीत कर रहे हैं लोगों से। भैया क्या चल रहा है? ठीक है, सही है, बढ़िया बढ़िया है। अच्छा किराया बड़ा है कि अभी वैसे ही है? बसों का अभी तो वैसे ही है जो है पहले ही से, बड़ा नहीं नहीं अभी नहीं। और विधायक के लिए काम काज बढ़िया है? बढ़िया है, हाँ एक नंबर। गांव में अच्छा कोई समस्या ऐसी पाटन? नहीं 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 ना? नहीं कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ये लोग हैं विधायक से मिलते भी है। मैडम क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। क्या करती हैं आप? मैं बीएससी कर रही हूँ। बस बीएससी कर रही है? विधायक जी को जानती है? हाँ हाँ जी जानते हैं, जानते हैं। कैसे आदमी है? अच्छे हैं वो, अच्छे हैं। हाँ। तो आते हैं क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में? हाँ आते हैं, आते हैं। अच्छा आप तो पढ़ी लिखी वोटर है, हाँ, है ना? तो क्या अच्छा लगा विधायक जी के काम काज? उनका काम बहुत अच्छा है, बट मतलब अच्छा ही है उनका काम तो। अच्छा हाँ अच्छा है। हमारे गांव में तो रोड ही नहीं है। कह रही इनके गांव में रोड नहीं है, क्यों? कोई खास वजह? रोड कितने साल तो हो गए बने नहीं ऐसा? हाँ हम लोग को बहुत दिक्कत होती है कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में। तो आप कहाँ जाती हैं कॉलेज? यही पाटन में है कॉलेज या बाहर कहीं जाना? जबलपुर में। तो पाटन क्षेत्र में कॉलेज नहीं है कोई? पता नहीं। अच्छा आपको जानकारी नहीं? हाँ। तो आप पाटन से कितनी दूर जा रही हैं पढ़ाई करने? पाटन कहाँ पे जाती हैं पढ़ाई करने? चुंगी। चुंगी, अच्छा चुंगी ना था वहाँ पर, है ना? और विधायक जी की सड़क तो नहीं, उसके अलावा क्या स्थिति है यहाँ पर? पता हम लोग को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी सड़क ही नजर आ रही है। हाँ सबसे बड़ी, नहीं उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं? विधायक जी आते हैं इधर? नहीं आते हमारे गांव में। अच्छा आपका कौन सा गांव है? चुंगटा। ये पाटन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां पर विधायक जी के कामकाज को लेकर और सरकार को लेकर क्या स्थिति है। हम फिर किसी पड़ाव में पहुंचेंगे और जानेंगे कि विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता कितने नंबर दे रही है। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं जबलपुर जिले की पाटन विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भाजपा के विधायक है अजय बिश्नोई, जो पहले सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। हम पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिर पाटन क्षेत्र में विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या स्थिति है, यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो जो रोड गांव की में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। भैया क्या है स्थिति? चुनाव आ गया है बिल्कुल? स्थिति तो ठीक नहीं है भैया, हमारे गाँव में तो कोई काम नहीं हुए हैं। कोई दुश्मनी आपके गांव से? नहीं, हमारे अब ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम नहीं हुए हैं। मकान तो आए ही नहीं हमारे विधानसभा मतलब ग्राम पंचायत में, जो प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं उसमें से आए ही नहीं। अच्छा विधायक जी की कामकाज के लिए क्या स्थिति? अब कामकाज तो सभी कराते हैं थोड़ा थोड़ा, बाकी ऐसा कोई काम उद्रोण ग्राम पंचायत में हुआ नहीं ऐसा, हाँ कि जो बताने लायक हो। बताने लायक कुछ नहीं हुआ है? क्या दादा कुछ है बताने लायक? बताने लायक तो कुछ नहीं है, जो विधायक जी के आदमी है वो ही उनका काम होता है, बाकी तो और किसी का सुनवाई नहीं है। जो विधायक जी के हैं उनके खास आदमी है, उन्हीं का होगा जो भी होगा, बाकी तो जनता चिल्लाती रहती है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में क्या है उससे बकर है? चुनाव को लेकर हम लोग निकले हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पाटन में भी है, क्या स्थिति है पाटन की? अब क्या बता दें, हम लोग खेती किसानी करते हैं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं भैया। नहीं विधायक जी के कामकाज को लेकर, अजय बिश्नोई जी विधायक है यहाँ से, वो तो पता ही नहीं चल भी रहे हैं, वो तो पता ही नहीं चले उनको, पाँच साल तक वे रहे हैं मंत्री, यदि ये बार पिछली बार तो जाते रहे, बार पता ही नहीं चले उनको कहाँ रह रहे हैं। ऐसा काम कैसा है? काम का है, काम तो अभी हमारे अंदाज से 20 साल में कथु नहीं भाई, विधायक निधि ने सांसद निधि ने कौन रूट बने,
यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश किए कि आखिर इस क्षेत्र में पाटन विधानसभा के जो ग्रामीण इलाका पड़ता है, पूरी तरह से ग्रामीण है, वहाँ पर विधायक जी के कामकाज को लेकर, सरकार की स्थिति को लेकर लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है और लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं। तो पाटन विधानसभा से इतना ही, फिर किसी विधानसभा में हम जाकर बताएंगे कि आखिर विधायक जी के कामकाज को लेकर और सरकार को लेकर जनता के बीच में चल क्या रहा है, उनका मूड क्या है, ये सारी चीजें। जबलपुर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंद्र। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में हम लोग ये जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कह रहा है और सरकार के कामकाज को लेकर जनता क्या कुछ है खुश है। इस लोग हम लोग पाटन से निकल रहे हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ लोगों से। और मेरे साथ आप पीछे देख रहे हैं पूरे स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर इस बस में। विधायक जी आते हैं आप क्या? आते हैं। विधायक जी कैसे आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके गांव में स्कूल वगैरह है क्या? हाँ। और कॉलेज? कॉलेज थोड़ा सा दूर है गांव से। वो यहाँ GBSM कॉलेज है एक वहाँ पे, और SGBM और ग्लोबल है, और नचिकेता है, नचिकेता भी है, और इस तरह भी रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। और कहाँ से है? पाटन से। हाँ। क्या स्थिति है आपका? बहुत अच्छी स्थिति है। पाटन में काम काज कैसे? अच्छी, बहुत अच्छे काम काज है काम का। हाँ, ठीक है। सड़कें वगैरह कैसी? क्या सड़कें वगैरह है? हाँ, सड़कें अभी अच्छी है। हाँ, राग जी का काम एक नंबर। ऐसा आते हैं बगाया? जी जी, फिर वहाँ पे रहते हमेशा। मामा जी कुछ नहीं बोलते, यहाँ का पुलिस प्रशासन भी ये सपोर्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे प्राइवेट वाले बहुत से लोग हैं, जो प्राइवेट, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर उन लोग बहुत परेशान करते टाइमिंग को लेकर। हाँ, उन लोग चल, उन लोग ये यानी चार के मेट्रो चले, यहाँ पे बच्चे आते हैं सभी लोग, इन लोग को बहुत सुविधा है, 60 रुपए में बहुत कुछ होता है। पाटन विधानसभा की स्थिति, क्या स्थिति है पाटन विधानसभा में काम को लेकर, क्या कुछ है? काम को लेकर ठीक है, तो होते जैसे आप लोग को जाना है तो काम हम तो सुनते हैं काम तो भी रहता है। विधायक जी आते हैं क्या? विधायक जी आते हैं? हाँ आते हैं। जैसे विधायक जी का काम बढ़िया है, लोकसभा सेवा के माध्यम से हम लोग को बहुत सुविधा मिली है, और इसमें महिलाओं की सीट रिजर्व है, और हैंडी के विकलांग लोगों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है, और ड्राइवर कंडक्टर साहब हम लोग का पूरा सहयोग करते हैं। हम लोग वैसे लेट भी हो जाते हैं तो हम लोग को बस में बैठा लेते हैं। और विधायक जी के कामकाज की स्थिति है, प्राइवेट बसों की गुंडागर्दी चलती है यहाँ पे, और उनसे निवेदन है कि ये प्राइवेट बसों से बात करके बस स्टैंड तक पहुँचाए। चलो बस मेट्रो बस को पाटन बस स्टैंड तक मेट्रो बस जाना चाहिए। हम जनता का यही अनुरोध है विधायक जी से। दूसरे काम करें सब ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया। हाँ, और दूसरे कामकाज के लेकर सब ठीक है, ठीक है सब ठीक। तो कामकाज तो लगभग ही कहना है लोगों का कि ठीक है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में हमको एक नई समस्या यहाँ पर ये देखने को मिली कि कुछ कॉलेज छात्र, जो स्टूडेंट छात्र हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि शायद प्राइवेट बस का यहाँ पर आतंक है, वो सरकारी बसों को समय पर नहीं चलने देते और बच्चों को इस तरह की परेशानी होती है। निश्चित तौर पर हम अपने माध्यम से पाटन की जनता की आवाज़ जो है इस तरह की, जो शायद विधायक जी के संज्ञान में हम लाए, शायद हो भी, एक बार फिर से उनके संज्ञान में लाएंगे और शायद ये समस्या से लोगों को जो दो चार हो रहे हैं, जो छात्र, उनसे भी निजात मिल सके। तो पाटन से, जबलपुर के पाटन से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंद्र।